इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुंदाक के लोरा टोली। आता है घर देखने तो बोलता है कि चलो जिसका घर दूरा वही सबको मिलेगा, मगर नहीं सोचता कि जिसका घर दूरा ढसल फूचल है माटी का घर है उसको बना देंगे। सो नहीं घर भोरिला तो आवे नहीं घर ला, विधवा मन का बनवाईला से हो नहीं आवेला, विधवा पेंशन भी नहीं बना। यही पानी का तकलीफ है, रही कॉलोनी वलोनी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बेड लगा हुआ है, लोग यहाँ पे सोते हैं, क्या करे गर्मी का दिन है इसलिए ये लोग अभी काम चला रहे। आखिर ठंडा में क्या हाल होता होगा इनका और बरसात के दिन में क्या हाल होती होगी इनकी। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका भोकाल टीवी में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुंदाक के लोरा टोली में, जहाँ की मैं आपको स्थिति दिखाने जा रही हूँ कितनी बद से बदतर यहाँ की स्थिति है। पंचायत चुनाव तो आ गया है, मुखिया सब बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर कहीं ना कहीं मुकरते भी नजर आते, लोगों के जुबान पे हरदम शिकायत ही मिलती है। आखिर मिले भी क्यों नहीं, जब उन्हें कोई किसी चीज़ की सुविधा ही प्राप्त ना हो तो लोग तो आखिर शिकायत करेंगे ही ना। तो ऐसे ही हम आपको लोगों से मिलवाने जा रहे हैं। आपका नाम? शांति देवी। शांति देवी, क्या कुछ लाभ हुआ है मुखिया से आपको, क्या कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? नहीं मिला है। आवास मिलता है, पेंशन मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, खैर राशन कार्ड मिलता है। सिर्फ राशन कार्ड से राशन मिलता है आपको, क्या क्या चीज़ की दिक्कतें हैं आपको? हमको दिक्कत है पानी का, घर का, जैसे मेरा घर धस गया तो थोड़ा दिक्कत हो गया, तो बोलते हैं कि कहीं से सरकारी तरफ से मिलेगा तो अच्छा रहेगा बोल के, तो कोई आता है घर देखने तो बोलता है कि चलो जिसका घर दूरा वही सबको मिलेगा, मगर नहीं सोचता कि जिसका घर दूरा ढसल फूचल है माटी का घर है उसको बना देंगे। सो नहीं। और आपको आवाज नहीं मिला है? आवाज नहीं मिला है। आवाज और पानी की भी काफी दिक्कत है आपको? पानियों का दिक्कत है, बहुत दूर जाने पड़ता है। घर वर कैसे चलता है? घर दूरा चलाते हैं, जैसे वैसे चलता है, थोड़ा मोड़ा कमा लेते हैं। क्या काम करते? झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन करके आप? दो बच्चे हैं तो। दो बच्चे की माँ है। अच्छा, आपको आवास नहीं मिला है, पानी की सुविधा नहीं है? नहीं, बहुत दिन लोग घर बनाने आता है मगर देख के नहीं देता है, वो लोग देख के चला जाता है। तो क्या आप इससे पहले मुखिया से बात की जा करके कि मेरे घर की? नहीं, मुखिया से बात किए थे मगर बोलता था कि वो लोग आएगा ना देखने लिए तो वो लोग थोड़ा सा साथ मांगेंगे कि चलो भाई बना देंगे बोल के। तो अभी तक आप लोग एक भी साथ नहीं दिए 5 साल में? नहीं दिया है साथ। क्या कुछ सुविधा दी है मुखिया जो आपको याद है? बोला है सिर्फ कोई आदमी और जुटेगा तो बना देंगे बोल के, सिर्फ आश्वासन देती है। आइए हम आपकी आपको इनके घर की स्थिति दिखाते हैं। हाँ दिखा दीजिए। देखिए किस तरह से पानी कहाँ से लाती है? हम लोग बहुत दूर से लाते हैं दीदी, पानी बहुत दूर से। कितना दूर? 2-3 कदम को जाते हैं पानी लाने। अच्छा, हाँ अपना घर दूरा दिखा देते हैं भैया को। आइए आइए हम आपको इनके घर की स्थिति दिखाते हैं कि देखिए कितना बुरा हाल है इनके घर का, जो कि सिर्फ धस्ता ही चला जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम आप? आपको क्या क्या सुविधाएं मिली है मुखिया की तरफ से? भर एगो बाथरूम मिल है उजुन। सिर्फ बाथरूम ही मिला है? हाँ, आपको बाथरूम। घर कर भोरिला तो आबे नहीं घरेला, घरों कर घर भोरिला तो आबे नहीं घर ला, विधवा मन का बनवाईला से हो नहीं आवेला। विधवा पेंशन भी नहीं बना है आपका? अब तक कार्ड बनाल है तो आबे नहीं घर ला, पासबुक बनाल है पैसे नहीं आवेला। आप कभी चेक करने नहीं जा? चेक करवा जा रही तो कहला कि नहीं से पैसे नहीं आ हो कहला। अच्छा बनाल है मतलब दीदी पैसे नहीं आवेला तो 12 साल से। मुखिया से आप कितना खुश है, क्या चाहते हैं मुखिया फिर से आए? आए रहते देख रहे तो उजुन बनाए कर लथिन बनाए। पंचायत चुनाव सर पे है और अब अलग अलग मुखिया बनने की लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि जो वर्तमान में मुखिया थे वो फिर से मुखिया बने? अब गाँवे कर का कहथिन ना, सब सब बढ़िया आगे रहबथिन, हम लोग साथ देब कहिए ना सब। आप लोग साथ देना चाहते हैं पर वो लोग आपका साथ नहीं देते हैं? गरीब का सब मिलजुल के रहले जन सबके बेस लागैला। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या क्या चीज की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? वही पानी का तकलीफ है, आ रही कॉलोनी वलोनी नहीं आ रहा है ना, उसका भी बरसात में हमने देखा कि जगह जगह पे नालियाँ नहीं है। वो भी नहीं है, नाली भी कितना लड़ाई भी होता है नाली की वजह से। अच्छा, पर हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, काहे लड़ाई हो रहा है। कौन लड़ने आता है? वही टोला पारा का।
अच्छा मोहल्ला टोला के लोग आते हैं आपसे झगड़ा करते हैं नाली को लेके, पानी इधर उधर जाता है तो बोलता है दीदी? पानी आता है भी, घर में भी कीचड़ हो जाता है, घर में घुस जाता था वैसा। अच्छा। वैसा लड़ाई भी होता था, बोलते थे कि घर तरफ से पानी घुस रहा है। अच्छा। कोई नहीं बात को ध्यान देता था, तो ही कॉलोनी का दिक्कत था और पानी का, बस दो ही चीज। मुखिया से आपको काफी परेशानी? मुखिया अभी तक आप लोग का कोई कार्य नहीं? नहीं जी, मुखिया तो बोलता है कि अपना खर्चा करो बना लो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि घर कितनी बुरी तरह से धस चुका है, लोगों के पास रहने के लिए आशियाना नहीं है, आवास भी नहीं दिया जाता है जो प्रधानमंत्री के तहत मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बेड लगा हुआ है, लोग यहाँ पे सोते हैं। क्या करें, गर्मी का दिन है इसलिए ये लोग अभी काम चला रहे हैं। आखिर ठंडा में क्या हाल होता होगा इनका, और बरसात के दिन में क्या हाल होती होगी इनकी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाना किस तरह से बना रहे हैं, लकड़ी पे झोंक रहे हैं और खाना बना रहे हैं। यानी कि उज्ज्वल योजना के तहत जो गैस सिलेंडर मिलता था वो भी इनको प्राप्त नहीं है। रहने के लिए तो घर भी प्राप्त नहीं है, आवास नहीं मिला है उज्ज्वल योजना के तहत, गैस सिलेंडर नहीं मिला है, और ना तो जल की सुविधा है, ना तो नालियों की सुविधा है। आइए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गरीबी हो गया, कुछ नहीं है उनके पास। क्या क्या मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है हमको। कुछ नहीं मिला है? घर वर मिला है रहने के लिए? नहीं कुछ नहीं, धसा ले देख रहे हैं। घर आप ही का धसा हुआ है? हाँ, हम रहे हैं। माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से घर धसा पड़ा हुआ दिख रहा है। देख रहे हैं, धसा ले हो रहा। कितना बुरी हाल है कि व्यक्ति हमारे सामने रोते नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं कितना बुरा हाल है, कैसे रह रहे हैं। मुखिया से बात नहीं किए थे? नहीं, अरे की पैर की हालत देख लीजिए, कैसा खराब हालत है, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत तबलिंग में हम, मान लीजिए हम बहुत तबलिंग में हैं, कैसे क्या करेंगे जी हमारा। अच्छा, मुखिया से कभी आप मिले थे, बात किए थे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा परेशानी है, उसका हल निकालिए? नहीं, हम नहीं बोले दीजिए वो सब। कौन बोला है? नहीं, हम वो सब चीज के नहीं बोले हैं। मुखिया आया था, देखा है मुखिया इस सब आके? मुखिया से गाँव का तो देख के गया है। मुखिया आता है और देख के चला जाता है? हाँ, चल जाता है, कुछ कर नहीं देता है हमारा, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर देता है, नहीं कुछ कर देता है। अच्छा, फिर से मुखिया कहाँ चाहते है? मुखिया बने ही दोबारा? कहाँ मुखिया दोबारा बने ही कि दूसरा मुखिया आए? नया मुखिया है, नया मुखिया है, पुराना मुखिया नहीं चाहिए। मुखिया का नहीं समझता है, हम पढ़ा निकलने या नहीं जानते। अच्छा, हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या क्या दिक्कतें हैं आपको गांव में? हमारा गांव में यही दिक्कत है, बरसात में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। घर पूरा टूटा पड़ा हुआ है आपका? पानी का सुविधा कैसा है आपका? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पानी का सुविधा? नहीं। आवास मिला है आपको? नहीं, आवास भी नहीं मिला है। मुखिया से बात किए थे कि हमको घर दीजिए, आवास दीजिए, पेंशन दीजिए, राशन कार्ड दीजिए? नहीं बोले हैं। वो आकर के देखे हैं कभी आपका घर? और देख के रोज जाता है इस गांव का, वो क्या है, रोज देख के जाता है, लेकिन कुछ बोल के अनसाएंगे, बोल बोल के अनसा गए हैं आप, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है आप लोगों को बोला हुआ। कितना ज्यादा निराश है यहाँ की जनता, देख सकते हैं कैसी मुखिया है ये, कि अपने ही गांव की हाल नहीं देख रही है। पास में ही जस्ट बगल में ही उनका घर है, खुद के रहने के लिए तो घर इतना अच्छा बनाया हुआ है, गरीब लोग जो है कितनी बुरे हाल में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो चीज मुखिया को नजर ही नहीं आ रहा है। मुखिया है कैसी, कितना बड़ा घर।